Hello everyone. So let's start with the session 3 of RDBMS, that is unit 3. Our session 3 hai, that is perform operations on the tables. So in this session, we have already done a lot of work on tables. But still, we will see what all things we can do. जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं टेबल में, उस टेबल के अंदर हम डाटा, नए डाटा को ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर रिमूव भी कर सकते हैं. सो वो सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू सी दोज थिंग्स. सो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है थोड़े से, तो बस देख लेते हैं. अगर आपको कोई भी टेबल का डाटा देखना है, तो आप पहले ये देख लेना कि यू यहाँ पे लेफ्ट साइड में डाटाबेस के अंदर में टेबल सिलेक्टेड होना चाहिए. And then you have to double click on the table. So if you double click on the table, it will show you the records that are added to the table. जो हमने data उसमें store किया हुआ है वो हमें show कर देगा. After that, if you want to change anything, for example, if I want to change the name, I just have to click on it. And then after that, I can use a backspace to delete and then add a new name. Or if I want to modify something, like for example, I want to add the surname also. For example, if I want to add Vikas Sharma, so I can do that also. तो हम लोग modify कर सकते हैं data को. अगर मैं मान लो इस पूरे data को delete करना चाहता हूँ, ये पूरा record जो है मेरा, इसको delete करना चाहता हूँ, तो वो delete भी कर सकते हैं. कैसे? Select किया और यहाँ पे select करने के बाद right click किया और delete rows आप कर दोगे. अगर आपने डिलीट रोज कर दिया तो वो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा. डिलीट होने से पहले एक बार कंफर्मेशन मांगेगा, डू यू वांट द सिलेक्टेड रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड, डू यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड रिकॉर्ड. इफ यू जस्ट क्लिक ऑन यस, तो वो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द रिकॉर्ड. अगर आपको एड करना है तो सिंपली यहाँ पे एड करना शुरू कर दो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई अगेन वॉन्ट टू एड दैट विकास शर्मा रिकॉर्ड, सो मैंने विकास शर्मा लिखा, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा, लेट्स टेक 12th March 2005. Okay, then I can add the address. Let's take Chhatarpur. I want to add New Delhi only. Okay, कोई और record add करना है तो आप continue कर दो. और auto values आप लोगों ने पहले ही session में देख लिया था कि auto values जो है compulsory नहीं है कि वो order में आए. पहला 1 है तो यहाँ 2 आएगा. ये किसी भी ऑर्डर में कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसके बाद 5 भी आ सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 के बाद 7 ही आएगा या उससे बड़ा नंबर आएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू चेंज द वैल्यूज इन अ टेबल. ओके, सो वी विल कम बैक हियर. सो वी नो हाउ वी कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड, वी नो हाउ वी कैन एडिट द रिकॉर्ड, वी नो हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड. आप किसी एक सिंगल वैल्यू को भी डिलीट कर सकते हो, सेलेक्ट करके डिलीट, या फिर सिंपली बैकस्पेस दबा के भी डिलीट कर सकते हो. नेक्स्ट आपका है फील्ड प्रॉपर्टीज. आप फील्ड प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो. तो जो फील्ड प्रॉपर्टीज चेंज करनी है उसको हम कैसे चेंज करेंगे, अभी जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, क्लोज कर दिया. अब यहाँ पे टेबल है, अब इसके अंदर फील्ड्स हैं, तो फील्ड्स को चेंज करना है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, तो राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक नहीं करोगे. अगर डबल क्लिक करोगे तो उसके अंदर का डाटा शो करेगा. अगर उनकी फील्ड्स, आपको कोई नई फील्ड ऐड करनी है, नया कॉलम ऐड करना है, तो आप राइट क्लिक करके एडिट करोगे. एडिट करने के बाद उसकी आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो. जैसे सिटी है, मैं डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ न्यू दिल्ली. तो ये जब भी हम नया रिकॉर्ड डालेंगे तो न्यू दिल्ली अपने आप उसमें डला हुआ आएगा, मुझे डालने की जरूरत नहीं है. अगर मेरे ज्यादातर कस्टमर्स जो है वो न्यू दिल्ली के ही है, तो बार बार एक ही वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट न्यू दिल्ली शो करेगा मुझे. ठीक है, देन इज डेट. में आप लोगों ने देखा हुआ है कि फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे बर्थ डेट जैसे है, फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं. इफ आई सेलेक्ट अ डिफरेंट फॉर्मेट, डेट आई वांट समथिंग लाइक फ्राइडे December 31, ये फॉर्मेट आना चाहिए, उसी फॉर्मेट में मेरी डेट शो करेगा. तो हम लोग फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर सकते हैं. एंट्री रिक्वायर्ड अगर हमने येस yes कर दिया तो कंपल्सरली हमें वैल्यू स्टोर करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अदरवाइज वो हमारे रिकॉर्ड को सेव नहीं करने देगा. तो वी हैव सीन दीज प्रॉपर्टीज. तो ये प्रॉपर्टीज हैं, यू कैन सी दिस फील्ड प्रॉपर्टीज. आपको हेडिंग यहां से नजर आ रही होगी, फील्ड प्रॉपर्टीज. तो ये एंट्री रिक्वायर्ड, अगर हमने यस यस कर दिया तो कंपलसरी उसमें एंट्री डालना जरूरी है, वरना वो सेव नहीं होगा रिकॉर्ड. लेंथ, कितने उसमें करेक्टर्स या डिजिट स्टोर कर सकते हैं हम लोग, ये लेंथ वाली प्रॉपर्टी है. डिफॉल्ट वैल्यू, जैसी हम नया रिकॉर्ड डालते हैं और कुछ भी हमने नहीं डाला तो पहले से उसमें क्या स्टोर हुआ हुआ आएगा, दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू. फॉर्मेट, किस तरीके का डाटा फॉर्मेट होगा उसका, जैसे एग्जाम्पल नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ वगैरह में यूज होता है ये फॉर्मेट. ओके, सो दीज आर फोर फील्ड प्रॉपर्टीज. सो वी हैव सीन दैट. एक ऑटो वैल्यू भी होता है. ऑटो वैल्यू नॉर्मली हमारा
जैसे हम लोगों ने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटो वैल्यू येस है, बाकी में नहीं शो करेगा। ऑटो वैल्यू जनरली आपके प्राइमरी की में शो करता है, तो ऑटो वैल्यू येस करने का मतलब ये हो गया कि उसमें अपने आप वैल्यू आएंगी या नहीं आएंगी। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ तो अगली बार से नेक्स्ट टाइम से अपने आप नहीं आएंगी वैल्यूज। ओके, सो लेट्स कीप दैट येस ओनली, सेव इट एंड लेट्स क्लोज इट। तो ये कुछ डाटा प्रॉपर्टीज हैं, फील्ड प्रॉपर्टीज हैं, वी कैन से ऑटो वैल्यू, लेंथ कितना उसमें स्टोर हम कर सकते हैं डाटा, डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम उसमें कुछ नहीं डाल रहे तो पहले से उसमें क्या वैल्यू शो होगी, फॉर्मेट, फॉर्मेट में हम डेट का क्या फॉर्मेट होगा या नंबर का क्या फॉर्मेट होगा वो हम सेट कर सकते हैं। देन इज एंट्री रिक्वायर्ड, अगर हम लोगों ने येस कर दी तो उस कॉलम या उस फील्ड के अंदर वैल्यू डालना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, और लेंथ हम लोगों ने देख ही लिया है। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है सॉर्टिंग डाटा। सॉर्टिंग डाटा के लिए वापस टेबल में आते हैं और मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज सॉर्टिंग डाटा। अभी दो ही रिकॉर्ड है, एक और एक्स्ट्रा रिकॉर्ड ऐड करते हैं, लेट्स टेक और कोई नाम डालते हैं, आरजू, ठीक है, लेट्स टेक 13th। आप लोग डेट का फॉर्मेट देख रहे हो, जैसे मैंने उसमें उधर चेंज किया था उसकी फील्ड प्रॉपर्टी में डेट में, तो अपने आप ही यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, देन लेट्स टेक, और अपने आप ही सिटी का वैल्यू अपने आप आ गया, मैंने नहीं स्टोर किया है, अपने आप उठा लिया उसने, फेच कर लिया। ठीक है, अभी मैं एड्रेस में नहीं डाल रहा हूँ कुछ भी। लेट्स एंटर सम अनदर वैल्यू, मनोज सिन्हा, ठीक है, 14th September 2006। लेट्स एड वसंत कुंज ओनली, एंड देन ओके न्यू दिल्ली अपने आप आ ही रहा है, फाइन। सो नाउ अब मेरे को इन रिकॉर्ड्स को अरेंज करना है किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंगली। लेट्स टेक की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मुझे अरेंज करना है, दैट मीन्स जिसका डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले है आता है वो सबसे पहले शो करे, जिसका लास्ट में आता है वो सबसे लास्ट में शो करे। तो हम क्या करेंगे, उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे यू कैन सी दिस सॉर्ट असेंडिंग, ये बटन आपका है, और सॉर्ट डिसेंडिंग, ये आपका दो बटन है। तो डाउन एरो असेंडिंग ऑर्डर, और अगर अप एप एरो वाले ये जेड टू ए है, डाउन एरो ही है लेकिन जेड टू ए लिखा हुआ है, सो दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो यू कैन यूज दिस टू ऑर्डर्स टू आइदर अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो आई वॉन्ट इट इन असेंडिंग ऑर्डर, जिसका डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आता है, ठीक है, उसके हिसाब से लगाए। ठीक है, सो यू जस्ट क्लिक ऑन येस, ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी, तो March 12, 2005 सबसे पहले लग गया, देन December 13, 2005, देन January। तो ये भी चेंज हो गए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वैल्यू चेंज होंगे, उसके हिसाब से रिकॉर्ड्स का ऑर्डर भी पूरा चेंज हो जाएगा। गॉट इट, सो दिस इज हाउ यू सॉर्ट योर रिकॉर्ड। सो सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग योर रिकॉर्ड्स ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में अपना लगा सकते हो। ठीक है, सो नाउ वी नो हाउ टू सॉर्ट द ऑर्डर, सॉर्ट द रिकॉर्ड, सॉरी। नेक्स्ट इज योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। नाउ व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को समझने के लिए हमारे पास दो टेबल होने चाहिए। तो उसका कॉन्सेप्ट अभी मैं प्रैक्टिकली नहीं शो कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक दो टेबल के हिसाब से आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। उसके लिए आई विल जस्ट कम अप एंड यूज द टेबल जो शुरू में हमने टेबल यूज किया था, नॉट दिस वन, और ऊपर है, आई थिंक काफी ऊपर है, या सो ये दो टेबल के बेसिस में मैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपको समझाता हूँ। सो जो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट था वही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। तो यहाँ पे नोट्स वापस ओपन में कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। नाउ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमारा एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यूज होता है किसी भी रिलेशनशिप में। मतलब दो टेबल है, उन दोनों टेबल में डाटा हमारा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए डाटा। सो दैट इज समथिंग नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हरदम दो टेबल के साथ होता है, एक सिंगल टेबल के साथ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कभी वर्क नहीं करता है। सो बेस के अंदर डाटा कैन बी लिंक बिटवीन टू और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, यू ऑलरेडी नो। कॉन्स्ट्रेंट वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, जैसे प्राइमरी की हमने लगा दिया उसको कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं, ठीक है, फॉरेन की लगा दिया वो भी कॉन्स्ट्रेंट है। सो प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे हम दो टेबल को आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अगर हम लगा देते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे अगर ये टेबल आपका है, तो हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि फॉरेन की का जब कॉन्सेप्ट था
तो उसमें अगर आप यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ऐड करते हो सेल्स टेबल में, और क्लाइंट आईडी अगर आप मेंशन करते हो समथिंग लाइक 000 और लास्ट में आप डालते हो, लेट्स टेक दो 6 जीरोज हेयर, 6 जीरो, और लास्ट में मैं डालता हूँ 7, तो ये मुझे नहीं स्टोर करने देगा। द रीजन इज क्योंकि ये कॉलम मेरा फॉरेन की है, तो फॉरेन की के अंदर मुझे ये ऐड नहीं करने देगा ऐसा कोई भी डाटा जो प्राइमरी की में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम वापस इसी में आते हैं अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि इट हेल्प्स टू अवॉइड, ठीक है, इट हेल्प्स टू अवॉइड एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल इफ देर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। मतलब प्राइमरी की में अगर डाटा नहीं है तो वो हमें नीचे वाले टेबल में फॉरेन की में वो वैल्यू ऐड करने नहीं देगा। दूसरा, ये जब हम फॉरेन, इसमें मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या फॉरेन की लगा देते हैं, फॉरेन की को ही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आप हम बोलते हैं, ठीक है, इट्स अनदर वर्ड, बस डिफरेंट थिंग है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है फॉरेन की का पूरा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगा रखी है इन दोनों टेबल के अंदर, तो यहां पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते। द रीजन इज ये यूज हो रहा है यहां पे, और ये यूज हो रहा है क्योंकि यहां पे तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सो इट अवॉइड्स चेंजिंग वैल्यूज इन द प्राइमरी की कॉलम विच इज ऑलरेडी देयर इन द फॉरेन की कॉलम। तीसरी चीज, चेंज भी नहीं करने देगा और मुझे डिलीट भी नहीं करने देगा। मैं इस 4 को 7 नहीं कर सकता और ना मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, क्यों? इसका लिंक यहां पे क्रिएटेड है। सो दिस इज समथिंग नोन एज अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सो इन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड एडिंग एनी वैल्यू और एनी रो हुज एसोसिएशन डज नॉट एग्जिस्ट इन दी प्राइमरी की। मतलब अगर वो वैल्यू प्राइमरी की में एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा, इट अवॉइड्स एडिंग और सॉरी चेंजिंग द वैल्यू हुज वैल्यू एग्जिस्ट इन द फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। इट अवॉइड्स डिलीटिंग द वैल्यू विच एग्जिस्ट इन दी फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। सो ये तीनों कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो जाते हैं जैसे ही हम फॉरेन की लगा देते हैं। ओके, सो दिस इज नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सो लेट्स मूव फर्दर विद अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हमारा क्या होता है? दो या दो से ज्यादा टेबल में हम आपस में इंटरलिंकिंग करने के लिए क्रिएट करते हैं। तो जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो उससे हमें क्या हेल्प मिलती है? इट सेव्स टाइम, ठीक है, क्योंकि हमें एक ही चीज को बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, चाहे दूसरे जगह पे डाटा है तो वो फेच कर लेते हैं हम लोग। देन इज इट रिड्यूसेस डाटा एंट्री एरर्स। इट ऑल्सो हेल्प्स टू समराइज डाटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल। मतलब दो या दो से ज्यादा टेबल में और डाटा है तो वो समराइज करने के लिए भी हमें हेल्प मिलती है। सो दैट इज एन एडवांटेज ऑफ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप जो होती है वो भी तीन तरीके की होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। पहला है 1-to-1 रिलेशनशिप, दूसरा है 1-to-many या many-to-1 बोल सकते हैं, और तीसरा है many-to-many। जब हम 1-to-1 करते हैं, दैट मीन्स, यहां पे वापस आता हूं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। 1-to-1 रिलेशनशिप होता है कि आपका दोनों टेबल के अंदर ये प्राइमरी की होना चाहिए। तो यहां पर भी प्राइमरी की है और यहां पर भी प्राइमरी की है। तो जब दोनों टेबल में प्राइमरी की होता है तो दोनों का जो रिलेशनशिप है दैट इज नोन एज 1-to-1 रिलेशनशिप। दूसरा टाइप का रिलेशनशिप है 1-to-many। 1-to-many जो रिलेशनशिप होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम में प्राइमरी की जरूरत है। दैट मीन्स आपका इस कॉलम में तो प्राइमरी की है, लेकिन हम मान लेते हैं इस कॉलम में प्राइमरी की, इस टेबल में प्राइमरी की नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे 1-to-many। तो 1-to-many या many-to-1 भी बोल सकते हैं। तो 1-to-many के अंदर एक ही टेबल में प्राइमरी की होती है। और तीसरा है many-to-many। many-to-many के अंदर किसी भी टेबल में प्राइमरी की नहीं होती, उसके बावजूद भी हम रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन उस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं मेनी टू मेनी। तो अगर इन दोनों टेबल को हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और इसमें भी प्राइमरी की नहीं है और इसमें भी प्राइमरी की नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इज क्लियर। 1-to-many,
sorry, one to one, one to many, or many to one, then many to many. Okay, so we have covered relationship topic. Now session number 3 is over, but we will continue further with session number 4 as well as 5 in this same video. तो हम लोग पहले एक assessment complete कर लेते हैं, जो हमारे book है उसके पीछे जो question answers है वो solve कर लेते हैं एक बार. The types of languages used for creating and manipulating the data in database are, एक तो है DDL और दूसरा है DML. ये हम लोगों ने concept नहीं किया, लेकिन ये question आ रहा है तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि DDL और DML है क्या चीज. So सबसे पहली चीज, आप लोग ये जानते हो कि आपका DBMS क्या है, एक सॉफ्टवेयर है. DBMS हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं. आप इसको RDBMS भी बोल सकते हैं. अब इसके अंदर जब भी आपको कोई कमांड देना है तो उसको कमांड देने के लिए, इसके अंदर अगर कोई भी कमांड आपको देना है तो उसके लिए एक लैंग्वेज इस्तेमाल होती है. तो उस लैंग्वेज का नाम है SQL. SQL stand for Structured Query Language. तो जब भी आपको कोई भी RDBMS सॉफ्टवेयर है उसमें कोई भी काम करना है, टेबल बनाना है, कॉलम ऐड करना है, आपको रिकॉर्ड ऐड करना है, तो आप इस लैंग्वेज को अगर जानते हो तो आप कोई भी RDBMS सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो. तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जिसके थ्रू आप कमांड दे सकते हो किसी भी RDBMS सॉफ्टवेयर को. अब इसके अंदर भी जो कमांड्स होते हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ है कई मल्टीपल पोर्शंस में, जिससे कि आसान हो कमांड्स याद रखने में. तो इसके जो टाइप्स हैं, मल्टीपल हमारे जो इसके टाइप्स हैं, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग दो टाइप देखेंगे. पहला आपका है DDL. तो DDL के फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड. सो अगेन ये भी लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज है, लेकिन ये जो DDL है इट इज अ सब पार्ट ऑफ SQL. मतलब इसके अंदर जो कमांड्स हैं बहुत सारे, उसमें से कुछ कमांड्स को DDL की कैटेगरी में डाला हुआ है और कुछ कमांड्स को DML की कैटेगरी में डाला हुआ है. तो DML होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड. तो अगेन ये भी लैंग्वेज ही कमांड ही है और DDL भी लैंग्वेज कमांड्स है. तो कुछ कमांड्स को DDL कैटेगरी में डाला है, कुछ कमांड्स को DML की कैटेगरी में. तो अब आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा कमांड DDL में आएगा, कौन सा कमांड DML में आएगा? बहुत सिंपल सा तरीका है. अगर आप स्ट्रक्चर टेबल का स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो, किसी भी डाटाबेस के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो, तो आप उसको DDL की कैटेगरी में डालोगे उस कमांड को. तो DDL के अंदर स्ट्रक्चर रिलेटेड कमांड्स होते हैं. सो स्ट्रक्चर रिलेटेड कमांड्स का मतलब हो गया हमें टेबल बनाना है. टेबल के अंदर क्या है, कॉलम है, क्योंकि सबसे पहले तो टेबल ही बनेगा ना, तब उसके बनने के बाद हम डाटा स्टोर करेंगे ना. तो टेबल बनाना है, टेबल के अंदर कोई कॉलम ऐड करना है, टेबल को मॉडिफाई करना है. जैसे यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप एक सेकेंड इसको क्लोज कर देते हैं. अब यहाँ पे टेबल है, अब अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये रिकॉर्ड्स हैं. अब ये टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क नहीं कर रहा, इसके अंदर जो डाटा है उस पर वर्क कर रहा हूं, लेकिन इसके स्ट्रक्चर पे काम करना है तो राइट क्लिक करेंगे और एडिट पे जाएंगे. एडिट पे जाएंगे तो उसके फील्ड्स दिखा देगा, हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे किसी कॉलम का डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं, उसके फील्ड की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं. तो ये सारा काम DDL की कैटेगरी में आता है, ठीक है. सो ये सारा हमारा जो वर्क है ये DDL की कैटेगरी में है. लेकिन DML में रिकॉर्ड रिलेटेड काम आता है, मतलब कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है या रिकॉर्ड को चेंज करना है, ठीक है. जैसे अमन है, इसका नाम चेंज करके अमन कुमार करना है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ DML. अगर मुझे डाटा में चेंजेस करने हैं या डाटा ऐड करना है, ठीक है, नया रिकॉर्ड ऐड करना है या मुझे डिलीट करना है कुछ, फॉर एग्जाम्पल ये आरजू है, इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके जैसे डिलीट कर दिया. तो दिस इज समथिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर DML, that is data manipulation language command. Okay, so I'll just do control Z, वापस ले आते हैं इसको.
या सेव नहीं करेंगे। ओके सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका आरडीएमए में सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर कमांड देने के लिए एसक्यूएल यूज करते हैं, और एसक्यूएल के अंदर हमारे डीडीएल और डीएमएल कमांड होते हैं। डीडीएल हमारा स्ट्रक्चर रिलेटेड कमांड होता है, और डीएमएल के अंदर आपका डाटा या फिर आप बोल सकते हो रिकॉर्ड रिलेटेड कमांड्स। तो रिकॉर्ड रिलेटेड कमांड्स में चार कमांड्स आ जाते हैं। तो एक तो है आपका इंसर्ट डाटा ऐड करने के लिए, दूसरा है सेलेक्ट देखने के लिए, तीसरा है अपडेट चेंज करने के लिए, और चौथा है डिलीट रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। सो ये हमारे चार कमांड्स आ जाते हैं, ठीक है। सो वी हैव दिस फोर कमांड्स अंडर योर डीएमएल। तो डीएमएल के अंदर ये चार कमांड्स आ जाते हैं, इंसर्ट सेलेक्ट अपडेट और डिलीट। सो लेट्स मूव फर्दर विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैन्युपुलेटिंग द डाटा। क्रिएट भी करना है मैनिपुलेट भी करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डीडीएल और डीएमएल दोनों इस्तेमाल करते हैं। अ डैश इज अ स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे आ गया ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन अ डेटाबेस, तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम लोग डीडीएल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अ डैश इज अ लैंग्वेज दैट एनेबल्स यूजर टू एक्सेस एंड मैन्युपुलेट डाटा। तो डाटा के साथ अगर आपको मैन्युपुलेशन करना है, चेंजेस करने हैं, वर्क करना है, तो उसके लिए हम डीएमएल यूज करते हैं। नेक्स्ट है अ डैश इज अ पार्ट ऑफ डीएमएल इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ओनली। तो सिर्फ देखना है, चेंज नहीं करना, डिलीट नहीं करना, ऐड भी नहीं करना है, तो उसके लिए आप कौन सा कमांड यूज करते हो डीएमएल का, सेलेक्ट कमांड। चार कमांड हमने अभी देखे, सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट। सेलेक्ट से आप रिट्रीव करते हो डाटा या व्यू करते हो डाटा को। देन इज अ पॉपुलर डाटाबेस डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर होता क्या है, टेबल ही होते हैं, तो इसीलिए वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल, थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर डाटाबेसेस क्रिएटेड यूजिंग openoffice.org/base। तो आप जब इसके अंदर ये फाइल को सेव करते हो तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो अगर जैसे मैंने सेव एज किया तो इसके लास्ट में क्या लग रहा है, .odb। तो ये किस एक्सटेंशन से सेव हो रहा है, .odb, ठीक है। सो द आंसर इज .odb। नेक्स्ट इज लिस्ट एनी थ्री फाइल फॉर्मेट्स दैट कैन बी मैनेज्ड यूजिंग openoffice.org/base। तो हम तीन टाइप की फाइल्स में से मैनेज कर सकते हैं, एक तो .odb हम सेव कर ही रहे हैं, .ods फाइल में भी वर्क कर सकते हैं, या .odp। ods हमारी स्प्रेडशीट वाली फाइल होती है, और ODP वाली हमारी प्रेजेंटेशन वाली फाइलें होती हैं। ओके नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड इन बेस, थ्री। तो वन टू वन, दैट इज बोथ द टेबल्स मस्ट हैव अ प्राइमरी की। वन टू मैनी या मैनी टू वन, ओनली वन टेबल नीड्स टू हैव अ प्राइमरी की। एंड थर्ड इज मैनी टू मैनी, किसी भी टेबल में प्राइमरी की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग योर रिकॉर्ड्स इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें आगे क्वेश्चन था, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, टू वेज, असेंडिंग और डिसेंडिंग। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमारा क्या होता है कि अब एग्जांपल के साथ समझाना है, तो पहली चीज तो यह है, इज यूज्ड टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द डाटा। नाउ अब एग्जांपल आप समझा सकते हो कि अगर आपका जैसे अभी कस्टमर टेबल था और सेल्स टेबल था, तो वो एग्जांपल दे सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है कि अगर स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर स्कूल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है और रिजल्ट है, सॉरी सेक्शन तक है, ये हमारे पास चार कॉलम है, स्कूल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन। और दूसरा हमारे पास टेबल है रिजल्ट, जिसके अंदर हमारे पास है रिजल्ट नंबर, स्कूल नंबर, एग्जाम कौन सा हुआ, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, और कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए बच्चे को। तो यहाँ पे दोनों टेबल को अगर आप देखो तो आपका स्कूल नंबर रिजल्ट के अंदर भी है और स्कूल नंबर यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में भी है। तो यहाँ पे ये प्राइमरी की बन जाएगा और यहाँ पे ये फॉरेन की बन जाएगा। तो जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है वही बच्चे का रिजल्ट क्रिएट होगा, बाकी बच्चे का नहीं होगा। सो हेंस स्कूल नंबर फील्ड इन रिजल्ट कैन कंटेन ओनली दोज वैल्यूज विच एग्जिस्ट इन द स्टूडेंट टेबल। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सो अभी वीडियो बड़ी हो गई है,
So we will continue further for session number 4 and 5 in the next video. So यहां पे हमारा session number 3 complete हो जाता है. चलो, thank you.